अब मैं उसमें फंसा हुआ था, 3-4 टेक हो गया तो उन्होंने गाली दे दी। अपने असिस्टेंट को बोला कि किस चूतिया को पकड़ लाए हो यार, और भी थोड़ा था जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी। अब मैं गांव का आया हुआ व्यक्ति, अभिनय में तो आ गया बट वो गांवठीपन तो जाता नहीं है ना, हम गाली के लिए तो अरे ऐसे कैसे, और वो भी काम में दिया हुआ, वो दोस्त की दी हुई गाली गाली नहीं लगती। और एकदम मूड ऑफ मेरा खराब आ रहा था, तो एक एक्टर बैठे थे मेरे साथ गाड़ी में, बोले क्या हुआ पंकज? मैं बोला उसने गाली दिया उसको, तो एक्टिंग करना ही नहीं है मुझे यार आगे से, उसको ना आज सर कूट के निकल जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने यही सलाह दी थी कि ये इसको जमा करो और क्राफ्ट पे काम करो, अपने काम पे फोकस करो, एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे। उसने भी रेंडम फेंक दी होगी या ये बात मेरे अंदर भी चल रही थी। और सर जिंदगी ने वो मौका दिखाया, 8 साल लगे, सेम व्यक्ति, एक स्क्रीनिंग में हमने साथ में एक पिक्चर देखी, वो चल के आए, बोले यार सर क्या काम किए हो आप।